कि ऐसे वो पैनिक होकर सामान खरीदने ना आए, अपने अपने घरों में बैठे हैं। इतने रश में, इतने क्राउड में आपको जरूर कोई ना कोई वायरस हो सकता है। भीड़ मंडी में इकट्ठा कर सकते और कोई नुकसान ना करवा लें अपना। बताएं जो उनके रूटीन कस्टमर्स हैं कि ऐसे वो पैनिक होकर सामान खरीदने ना आए, अपने अपने घरों में बैठे हैं। किसी भी तरह की कोई मंडी, राशन की दुकान, दवाइयों की दुकान, सब्जी की दुकान चंडीगढ़ में बंद नहीं हो रही है। ऐसे आप भगदड़ मचाओगे, एक तो ट्रैफिक का जैम लग रहा है अंदर आकर, दूसरा इतने रश में, इतने क्राउड में आपको जरूर कोई ना कोई वायरस हो सकता है। तो कृपया ध्यान दें कि न फॉर्म आने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ समय बाद एमसी वाले या मंडी बोर्ड वाले जो आपके यहाँ पे हैं वो आके भी अनाउंसमेंट कर देंगे, आप लोगों को आगाह कर देंगे, सूचित कर देंगे। तो कृपया बिना मतलब की ट्रैफिक जाम लगाकर या भीड़ मंडी में इकट्ठा कर और कोई नुकसान ना करवा लें अपना। लेकिन आपको मैं ये सूचित कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी स्टोर, दवाइयों की दुकानें या मंडी, ग्रेन मार्केट या जो सेक्टर की मंडी है वो बंद नहीं हो रही है।